तो हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल प्रेशर मोटर। तो फ्रेंड्स, हम सब अपने घर में अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पाइपलाइन का काम करते हैं, वही प्लम्बिंग काम जिससे हम सबके घर में रोज़मर्रा की तरह पानी आ सके। लेकिन फ्रेंड्स, हम अपने घर में अपने पानी के लिए अपने घर में टॉप पर इस तरह के टैंक इंस्टॉल करते हैं, फिर भी हमारे घर में जो है पानी का प्रेशर कम आता है। और इस तरह से हेवी स्टैंड्स लगा के हम अपने टैंक को ऊपर रखते हैं, इतने ऊपर रखने के बाद बावजूद भी हमारे घर में जो है पानी का प्रेशर कम आता है, तो हम उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो आपको अपने घर के वाटर प्रेशर को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए होगा एक मोटर। फ्रेंड्स, हमको जो है दो टाइप के मोटर देखने को मिलते हैं, सबसे पहला जो है सबमर्सिबल मोटर और उसके बाद जो हमको देखने को मिलता है वो मोनोब्लॉक मोटर। और मैं आपको इन दो मोटर्स का डिफरेंस बता दूँ। आप देख सकते हैं सबमर्सिबल मोटर जो है हम उसे अपने घर के कुएं में जो हमारा वेल है उसमें हम उसे डंप कर देते हैं, और हमारा ये जो मोनोब्लॉक मोटर है हम उसे कुएं में डंप नहीं करते, हम उसे ऊपर रखते हैं किसी भी टैंक के साइड में रख देते हैं और वो अपने आप जो है वो पानी को खींच लेता है। इन दोनों का डिफरेंस यही है कि सबमर्सिबल मोटर पानी में डाला जाता है और मोनोब्लॉक मोटर ऊपर रखा जाता है। नॉर्मली इन दो मोटर का काम होता है पानी खींचना है, लेकिन हम अपने घर में पानी की वाटर के फ्लो को जो हमारा जो नॉर्मल वर्क होता है वाटर का उसके फ्लो को बढ़ाने के लिए हम अपने मोनोब्लॉक मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोगों का डाउट होता है कि हम अपने घर के प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर मोनोब्लॉक मोटर का इस्तेमाल क्यों किया है, हम यहाँ पर सबमर्सिबल मोटर का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, सबमर्सिबल मोटर जो है वो सिर्फ किसी भी पानी की वाली जगह में ही डाला जा सकता है, वो सिर्फ पानी में रह सकता है। और ये मोनोब्लॉक मोटर जो है आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और आप इसे कहीं पर भी पाइप लगा कर रख सकते हैं, यही इसका बेनिफिट है, इसीलिए हम यहाँ पर मोनोब्लॉक मोटर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है आपका मोटर के रिलेटेड जो भी डाउट्स है मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो चलिए हम आपको जो है मोटर इंस्टॉल करके बताते हैं कि किस तरह से आप अपने घर में एक प्रेशर मोटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो पेज को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो है अपने कस्टमर के यहाँ पर जो है हम प्रेशर मोटर फिक्स करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रेशर मोटर को जो हमारा मोटर है उससे कंट्रोल करने वाला सेंसर है, ये महिंद्रा कंपनी का। आप देख सकते हैं ये हमारा सेंसर इस तरह से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं ये हमारा सेंसर है, यही सेंसर जो है हमारे मोटर को कंट्रोल करता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरह से ये सेंसर होता है और यहाँ पर इस तरह से दो वायर दिए होते हैं, इसमें से एक वायर जो है पंप को जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर LYB लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है पंप लिखा हुआ होता है। और इसी तरह से फ्रेंड्स, और यहाँ पर इस साइड में इस वायर पर भी लिखा हुआ होता है जहाँ पर हमारा जो है पावर वायर कनेक्ट होगा। तो गाइस, आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर पावर वायर और पावर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक हाफ HP का बेस्ट कंपनी का नाम का जो एक हाफ HP का मोटर दिया गया है, मोनोब्लॉक मोटर आप देख सकते हैं। और इस मोटर को हम जो है प्रेशर मोटर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड्स, प्रेशर मोटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इनबिल्ट प्रेशर मोटर और एक होता है नॉर्मल प्रेशर मोटर। और ये इनबिल्ट प्रेशर मोटर जो होता है वो कंपनी से ही फुल मैन्युफैक्चर होकर आता है, और ये नॉर्मल प्रेशर मोटर जो होता है इससे हमको अलग अलग सेंसर कंपोनेंट्स और नॉर्मल मोटर को एक करके हमको ये बनाना पड़ता है। और इन दोनों का डिफरेंस बता दूं, इनबिल्ट प्रेशर मोटर आप सिर्फ वाटर के फ्लो को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारा जो नॉर्मल मोटर है आप उस मोटर से जो है अपने टैंक को फुल कर सकते हैं और उससे आप कोई भी काम कर सकते हैं, ये इन दो मोटर्स का डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपने मोटर का अनबॉक्सिंग करते हैं और अपने मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है अपने मोटर को इस तरह से बाहर निकाल लिया है। और फ्रेंड्स, ये हमारा मोटर जो है हाफ HP का मोटर है, आप देख सकते हैं ये इस तरह से मोटर है और यहाँ पर इसका नेम प्लेट दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे वाला जो हमारा पानी के इंजन के लिए, और इस तरह से हमारा ये हमारा कंडेंसर जहाँ पर हमारा वायर कनेक्ट होगा। तो चलिए, हम आपको जो है अपना सेंसर जो है उसे भी अटैच करके बताते हैं कि किस तरह से हम अपने सेंसर को अटैच करेंगे। तो देख लीजिए, ये सेंसर का ये साइड यहाँ से हमारा पानी जो बाहर निकलेगा और ये साइड जो हमारे मोटर में लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने मोटर को कनेक्ट करने के लिए हम और अपने मोटर को वाटर लीकेज से बचाने के लिए हम अपने मोटर में टेपरन टेप लगा देंगे इस तरह से, और उसे यहाँ पर अपने मोटर में इस तरह से अपने मोटर में ठीक से फिक्स कर देंगे और ठीक से कस देंगे। आप देख लीजिए, हमने अपने सेंसर को जो है मोटर के ऊपर वाले साइड में इस तरह से कस दिया है, और हमारा मोटर जो है और सेंसर के साथ इस तरह से पैरेलल कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने अपने मोटर में इस सेंसर को पैरेलल कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए, हम यहाँ पर अपनी जो है वायरिंग कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पंप लिखा हुआ है, और गाइस उधर से ही 3-कोर केबल वायर निकला हुआ है। उस 3-कोर केबल में से आप देख सकते हैं यहाँ पर फेस न्यूट्रल और अर्थिंग 3 वायर दिया गया है। उन 3 वायरों में से हम 2 वायर जो है फेस न्यूट्रल
उन दो वायरों को हम अपने मोटर से निकले हुए दो वायरों में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ठीक से कनेक्ट कर देंगे। अगर आपके पास वाटरप्रूफ टेप होगा तो आप वहाँ पर वाटरप्रूफ टेप भी लगा दीजिए, जिससे कुछ शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं हमारा मोटर जो है वो आपको रेडी हो चुका है। अब हम अपने इस मोटर को जो है हम अपने टैंक के साथ अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने यहाँ पर जो है इस वायर को अटैच कर दिया है इस तरह से। फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रेशर मोटर के सेंसर में यहाँ पर एक रीस्टार्ट बटन भी दिया गया है, जिससे आप अपने मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है पावर वायर भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मोटर जो रेडी हो चुका है, और यहाँ पर हमने अपने सेंसर को किस तरह से कंसील टेप ऑन टेप की हेल्प से लगा दिया है। और इस मोटर में देख सकते हैं यहाँ से जो पानी अंदर जाएगा और यहाँ से प्रेशर के थ्रू बाहर आएगा, यही हमारा जो है मोटर का सिस्टम रहेगा। गाइस हमने यहाँ पर जो है अपने कस्टमर के यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुराना प्रेशर मोटर दिया गया है। इस प्रेशर मोटर को हम डिस्कनेक्ट करके हम अपने प्रेशर मोटर को इंस्टॉल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये इनबिल्ट प्रेशर मोटर है, और हम यहाँ पर इसकी पूरे पाइपलाइन देख सकते हैं। और हम इस मोटर को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और हम अपने मोटर को यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। गाइस तो चलिए हम अपने मोटर को इंस्टॉल करते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है अपने पुराने इनबिल्ट प्रेशर मोटर को निकाल दिया है, और यहाँ पर हम जो है अपना मोटर लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने आउटलेट टर्मिनल में हम अपने यूनियन को इस तरह से फिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं गाइस ये जो है हमारी यूनियन है। ये यूनियन का काम होता है कि अगर आप किसी भी वक्त अपने मोटर को डिस्कनेक्ट करना है तो आप इस चीज़ को खोलकर अपने मोटर को आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक यूनियन यहाँ पर दिया गया है और एक यूनियन यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो यूनियन दिए गए हैं, जिससे आप अपने मोटर को आसानी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स हम अपने पूरे पाइप्स को अपने मोटर के साथ जल्दी से फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अपने मोटर जो है स्टार्ट करके बताते हैं। और फ्रेंड्स इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार, प्लीज़ हमारी इस मेहनत को आप प्लीज़ लाइक कीजिए यार, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। और इस वीडियो को आखिर तक देखिए कि आपको पूरा हम किस तरह से बताएंगे और आपको किस तरह से आप एक प्रेशर मोटर को इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें और हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो है पावर लाइन भी अटैच हो चुका है और यहाँ पर हमारी टोटल पाइपिंग भी हो चुकी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत से लोगों का डाउट होता है, आपने तो हमें किस तरह से मोटर लगाया जाता है, कौन सा सेंसर कहाँ पर लगाया जाता है आपने तो बता दिया। तो आप इस मोटर को जो है हम अपने नॉर्मल घर का पाइपलाइन होता है, कौन सा पाइप कहाँ पर कट करें, कौन सा पाइप लगाना चाहिए और कौन सा वॉल लगाना चाहिए, बहुत से लोगों का डाउट होता है। तो चलिए गाइस आप डरिए मत, मैं ही आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप अपने घर में इस मोटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको इस मोटर को इंस्टॉल करने के दौरान कौन सी फिटिंग्स आपको चाहिए होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स प्रेशर मोटर इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले बनाना होगा पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई जो हमारे किचन से कनेक्ट होगा और इसके बाद हम यहाँ पर जो अपना प्रेशर मोटर कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पाइप का पीस लेंगे, उसे अपने मोटर के साथ अटैच कर देंगे और यहाँ पर एक यूनियन लगाएंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पर एक बॉल वाल लगा देंगे, उसके बाद एक पाइप पीस लगा देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर एक और एक एल्बो लगा देंगे इसके साथ साथ, और यहाँ पर एक पाइप पीस और एक पाइप पीस के बाद एक एल्बो हम फिर से लगा देंगे। और यहाँ पर जो है हम एक पाइप पीस के साथ हम टी के ज़रिए हम अपने मोटर को वाटर सप्लाई पहुँचा देंगे। और यहाँ पर एक जो है NRV तीनों पाइप में हम लगा देंगे, और यहाँ पर तीनों पाइप में हम बॉल वॉल लगा देंगे। तो गाइस इसके साथ हम यहाँ पर जो अपने प्रेशर मोटर से होते हुए यहाँ पर एक पाइप लेंगे, एल्बो लेंगे, और यहाँ पर जो है पिन कनेक्टर लगा देंगे, और यहाँ पर एक टेस्टिंग टैप और एक लगा देंगे जिससे हम चेक कर सकें, और यहाँ पर एक पाइप पीस, यहाँ पर और एक एल्बो लगा देंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक पाइप पीस को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर एक बॉल वॉल फिर से लगा देंगे अपने प्रेशर मोटर कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पर और एक पाइप पीस उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर प्रेशर कंट्रोलर हम यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर टी के ज़रिए इस तरह से हम तीनों पाइपों में इस तरह टी लगा के हम अपने प्रेशर मोटर के ज़रिए तीनों पाइपलाइन में हम अपने प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप देख सकते हैं हम इस तरह से जो है तीनों पाइपों में हम अपने प्रेशर मोटर का कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे। तो गाइस हमारे यहाँ पर जो है तीनों पाइप में हमारा प्रेशर मोटर का कनेक्शन हो चुका है, और एल्बो के ज़रिए हम अपना पाइपलाइन फिनिश करेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा पाइपलाइन कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ से यह रहा हमारा एयर पाइप, यहाँ से हमारा पानी निकलेगा, और यहाँ पर जो है एक तीन बॉल वाल लगाए हमने, और यहाँ पर जो है टी के ज़रिए हमने अपने प्रेशर मोटर में पानी सप्लाई दिया है, और यहाँ से प्रेशर मोटर को वो पानी फ्लो करेगा इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से होते हुए वॉल के ज़रिए प्रेशर कंट्रोल के ज़रिए तीनों पाइपों में इस तरह से जो है हमारा मोटर प्रेशर मोटर का वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो है पाइपलाइन जो है प्रेशर मोटर का सिंपल पाइपलाइन वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से जो है हमारा पाइपलाइन होगा गाइस।
और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपने पाइपलाइन देख ली है तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि यहाँ पर पूरी पाइपलाइन हो चुकी है और यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से 3 बॉल वाल्व हैं और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है मोटर में जो पाइप जा रहा है, यहाँ पर जो है एक यूनियन दिया गया है। ये यूनियन जो है हम किसी भी वक्त जो है अपने मोटर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसको हम प्रेस करके खोल सकते हैं, यही इसका बेनिफिट है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनियन दिया गया है और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर और एक यूनियन दिया गया है और यहाँ पर अपने प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए यहाँ पर एक प्रेशर कंट्रोलर दिया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 3 बॉल वाल्व के नॉन रिटर्न वाल्व दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर NRV दिया गया है, ये NRV का बेनिफिट है। अगर आप अपने प्रेशर को अपने मोटर को ऑन करेंगे तो आपका प्रेशर जो है वापस टैंक में नहीं जाएगा, वो प्रेशर जितना भी होगा वो प्रेशर आपके घर में जाएगा, वो नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो प्रेशर को टैंक तक जाने से रोकता है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा? तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे पेज इलेक्ट्रिकल फन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।